नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2022 फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। बट कमेंट आ रहे हैं कि सर पेमेंट कट गई है, सक्सेसफुल हो गई बट फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा। और पेमेंट कट गई है बट जो ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर रहे हैं तो वो फेल्ड हो रहा है, बैलेंस कट गया अकाउंट से, मैसेज आ चुका है। और वहाँ जो वेरीफाई कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, डबल मोड जो यहाँ दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अपडेट और ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, यहाँ कर रहे हैं तो फेलर बता रहा है स्टेटस। रिफंड भी नहीं हुआ अभी तक, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसेस इसका, और फाइनल प्रिंट कैसे निकालें, पेमेंट सक्सेसफुल है, पेमेंट अपडेट नहीं हो रही है, तमाम प्रकार की समस्याएं पेमेंट से रिलेटेड यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 इस वीडियो में आपका समाधान होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा वॉच करें, आपकी समस्या का जरूर समाधान होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे फीस कट गई है और किसी कारणवश सिस्टम बंद हो गया है या फिर आपका ब्राउज़र बंद हो गया है, तो हम दोबारा से कैसे अपनी फ़ीस को वेरीफाई करें और फाइनल प्रिंट को निकालें। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, एक तो ऑप्शन ये है कि यदि आपने सक्सेसफुल पेमेंट कर लिया है और आपने पूरा प्रोसेस कर लिया है, तो आप रिमेनिंग डिटेल्स सबमिशन पर जाकर अपनी डिटेल्स को फिल कर पूर्ण कर आप फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। बट यहाँ से यदि नहीं हो रहा रिमेनिंग डिटेल से, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना होता है और यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ जो भी जेंडर सिलेक्ट करेंगे और कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद जो है आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होता है। इस प्रकार क्लिक करने के बाद जो है आपका जो डबल वेरिफिकेशन मोड है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर इसका ये डैशबोर्ड है और सिक्योरिटी रीजन से कुछ डिटेल्स यहाँ हाइड की गई हैं, बट आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ है, दो बार सक्सेस लिखा है और रिक्रूटमेंट यहाँ यस दिखा रहा है एस बी आई मॉप्स, और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है। तो ये उन लोगों के लिए है, पहले फर्स्ट मैं बता रहा हूँ, जो कि पेमेंट बता रहे हैं कैंडिडेट सक्सेस हो चुका है और फाइनल प्रिंट सर नहीं निकल पा रहा है, सबमिशन रिमेनिंग सबमिशन डिटेल्स फिल कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि प्लीज़ फिल द फॉर्म देन सबमिट, उसके बाद आप प्रिंट आउट निकालें, ऐसा कुछ उसमें बता रहे हैं कैंडिडेट्स कमेंट में। तो बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, फीस सक्सेसफुल यदि हो गई है तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। और आप इस वीडियो की सहायता से आप बहुत आसानी के साथ फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं जिनका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, रिमेनिंग डिटेल्स से या किसी प्रकार से प्रिंट नहीं निकाल पा रहे, तो ये तरीका आपके लिए बेटर होने वाला है। यहाँ पर सिंपली जिनकी फीस सक्सेस है कट गई है बट वो फाइनल सबमिशन निकल पा रहे हैं और उनका फाइनल प्रिंट नहीं निकल पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं ये जो प्रिंट पेमेंट ट्रांजेक्शन स्लिप है, सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको जिनका फेल्ड हुआ है उन्हें भी क्या करना है, उनके लिए भी बताने वाला हूँ, फर्स्ट इसको समझ लीजिए आप। तो जैसे यहाँ हम प्रिंट करेंगे तो उसके बाद एक नया पेज ओपन होता है और नेक्स्ट जैसे ही ओपन होता है ये नया पेज, यहाँ देख सकते हैं पेमेंट ट्रांजेक्शन इज सक्सेस, ये सक्सेस उनके लिए जिनका पहले से ही सक्सेस था, कट गया था बट फाइनल प्रिंट नहीं निकाल पा रहे, तो फाइनल प्रिंट कैसे निकालें, काफ़ी समस्या बनी हुई है स्टूडेंट के सामने। तो यहाँ प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप पर अब आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पूछ रहा है आर यू श्योर, तो आप ओके कर देंगे। इस प्रकार आपके सामने जो है नेक्स्ट, जैसे हम लोग करते हैं प्रोसीड टू नेक्स्ट, तो एक नया पेज आपके सामने ओपन होता है, यहाँ लिखा हुआ है प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, जिनका पेमेंट सक्सेस हो चुका है अब उनकी समस्या सॉल्व होने वाली है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइनल प्रिंट विद ट्रांजेक्शन के ओपन हो जाएगा और आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब बात आती है जिनका ट्रांजेक्शन फेल हो गया है तो वो कैसे अपडेट करें और फीस रिफंड होगी या नहीं होगी और अपडेट करने का प्रोसेस क्या है, काफ़ी दिक्कतें बनी हुई हैं इस चीज़ के लिए, इसका भी समाधान बस कुछ ही देर में करने वाला हूं। सिंपली अब आपको जो है प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट पर क्लिक करना होगा और जब
ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, जिनका ट्रांजेक्शन जो फेल्ड हो गया, जैसे वो डबल वेरिफिकेशन मोड से अपडेट करते हैं और सक्सेसफुल हो जाता है, तो उन्हें भी यही स्टेप सेम पूरा प्रोसेस करना होता है। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका फाइनल प्रिंटआउट सक्सेसफुल होकर ओपन हो जाता है। यहाँ देखते हैं, सक्सेसफुल कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट है, सिग्नेचर भी कंप्लीट है, फोटो सिग्नेचर, फाइल रिमेनिंग डिटेल्स, फी डिपोजिट, फाइनल सबमिट, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपका जो है प्रिंट आउट ओपन हो जाता है, जिनकी फीस सक्सेसफुल हो चुकी है बट प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये तरीका आपके लिए 100% बेस्ट होने वाला है। और यहाँ से प्रिंट करेंगे, आप प्रिंट कर सकते हैं। समस्या ये भी आ रही है कि सर फोटो नहीं आ रही है, प्रिंट कर रहे हैं तो ब्लैंक आ रहा है, बट यहाँ जब आपका, ये तो मैंने सिक्योरिटी डिसाइड की है, बट जब आप करेंगे तो बिल्कुल ओरिजिनल और क्लियर दिखना चाहिए यहाँ पर सिस्टम पर, बिल्कुल बढ़िया से दिखना चाहिए। यहाँ देखिए फोटो सिग्नेचर में छिपा रखा है, बट आप जब करेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और प्रिंट करने पर फोटो सिग्नेचर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पर जैसे फर्स्ट टाइम आप क्लिक करते हैं तो नहीं आ रहा, कैंसिल कर दीजिए, दोबारा क्लिक करिए, आ जाए तो ठीक है, तो सेव कर लीजिए, नहीं आए तो फिर दोबारा से प्रिंट करिए। आप यहाँ आप 2-3 बार यहाँ ये देख सकते हैं, इस पर इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं, लगातार 2-3 बार क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू में सेव होने के लिए ओपन हो जाता है। तो फर्स्ट जैसे टाइम में अगर वो आ जाती है फोटो तो सेव कर लेंगे, नहीं आती तो कैंसिल करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए आएगा, उसमें आती है तो उसे सेव कर लीजिए, उसमें भी नहीं आती है तो थर्ड आपका ओपन होगा सेव करने के लिए, तो उसमें तो 100% आ ही जाएगी, और आप उस प्रिंट को सेव कर लीजिए, आपका फोटो सान आ जाएगा और वो भी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो चुका है उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए ट्रांजेक्शन फेल्ड हो चुका है तो सक्सेस का तो मैं बता ही दिया, जिनका सक्सेस है वो तो देख ही जाएगा, वो तो प्रोसेस पूरा ही है, ठीक है। ये सेम प्रोसेस जिनका फेल्ड हो चुका है और जब इनका अपडेट होगा जिनका, और तो उन्हें भी यही सेम पूरा प्रोसेस करना होगा फाइनल प्रिंट निकालने के लिए, ठीक है। और जैसे आप और सक्सेसफुल कर रहे हैं पेमेंट द्वारा से मान लीजिए, तो उस टाइम पे भी जो प्रोसेस होता है उससे द्वारा भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट किसी कारणवश फाइनल प्रिंट नहीं निकल पा रहा है या ट्रांजेक्शन की दिक्कत आ रही है, तो आप इस तरीके को अपनाइए, समस्या सॉल्व हो जाएगी। यहाँ देखिए अब जो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो चुका है, सबसे पहले क्या है यहाँ पर, सक्सेस का सक्सेस दिखेगा, जिसका फेल्ड है तो यहाँ सक्सेस नहीं दिखेगा ना, यहाँ वेरीफाइड ट्रांजेक्शन आईडी लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ फेल्ड ट्रांजेक्शन हो चुका है, फीस कट चुकी है, अपडेट नहीं हुई है, प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सबसे पहले जो तरीका होता है वो डबल वेरीफिकेशन मोड है, यहाँ से आप ट्रांजेक्शन आईडी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई नहीं हो रहा है, फेल्ड जा रहा है, तो उसके लिए 24 घंटे 48 घंटे वेट करेंगे, अकाउंट चेक कर लीजिए, अकाउंट में बैलेंस तो कहीं नहीं आ चुका है आपका, यदि नहीं आ रहा है तो आप प्रतीक्षा करें, थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग सकता है बट ट्रांजेक्शन वेरीफाई आपका होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यदि वेरीफाई नहीं होगा तो अकाउंट में बैलेंस वापस आएगा, बैलेंस वापस नहीं आ रहा है तो आपका अपडेट होगा, तो उसके लिए वेट करना होगा। कस्टमर केयर से आप कॉल भी कर सकते हैं या किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सिंपली यहाँ जो ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है, फीस कट चुकी है, डिटेक्ट हो चुकी है, फेलर है ट्रांजेक्शन, वेरीफाइड ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ आप देख सकते हैं वेरीफाइड ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद आप जो वेरीफाइड ट्रांजेक्शन पर क्लिक करते हैं, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्लिप जनरेट हो जाती है और वहां लिख कर आ जाता है फेलर है या सक्सेसफुल है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आप यहां देख सकते हैं, यू हैव ऑलरेडी डिपोजिट द फी अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन नंबर विद ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है। तो यहाँ यदि फीस आपकी कट चुकी है और आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे, जैसे आप ट्रांजेक्शन वेरीफाई करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है, तो उसमें घबराने कोई बात नहीं, बट कि आपको जो खुश होना चाहिए, आपका फीस जो है क्लियर है, फंसा नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपको जो है प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन पर क्लिक करना होता है और पूरा प्रोसेस आपको प्रिंट तक करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ छोड़ दिया कि भाई मेरी फीस तो जमा है, अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस नहीं करना है। तो पिछली बार बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ गई थी, एडमिट कार्ड नहीं निकली थी, ऐसे कई फॉर्म हैं जिनमें से समस्या आई है, तो प्रिंट तक पूरा फाइनल प्रोसेस करें जिससे कि एडमिट कार्ड आने में कोई समस्या ना हो, फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सके, ठीक है। अब बात आती है, एक तो तरीका आपको ये हो गया, जैसे क्लिक वेरीफाई किया ट्रांजेक्शन तो ऑलरेडी बताया, तो मैंने बता दिया आपको वहाँ क्या आपको प्रोसेस करना है, और वेरीफाई ट्रांजेक्शन करेंगे तो इस प्रकार से भी पेज ओपन हो जाता है, जिनका बाकी में फेल्ड हुआ है, डिटेक्ट हुआ है, तो इस प्रकार का आपके सामने एक स्लिप ओपन हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, यदि आप नए कैंडिडेट हैं तो नहीं भी देखा होगा, तो सिंपली यहाँ प्रिंट स्लिप और प्रिंट का ऑप्शन बना होता है और फाइनल सबमिट
जिनकी सक्सेसफुल हो जाती है उनके लिए ये बना होता है ऑप्शन, और यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं, और फाइनल सबमिट करते ही जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो उस वीडियो के अनुसार करते हैं। और वीडियो पूरा वॉच करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और यहाँ अब जो तो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का सिस्टम हो गया, ठीक है, अब फेलर है, फीस कट गई है, यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं सक्सेस कंप्लीट सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, या जो है फेलर लिख के आता है, फेलर पेमेंट स्टेटस में फेलर लिख के आता है। यहाँ देख रहे हैं आप सक्सेस कंप्लीटली सक्सेस, माउस के बटन से देखिए आप, देखिए है बस सक्सेस कंप्लीट सक्सेसफुली, तो यहाँ पर भी फेलर लिख के आता है, बार बार ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर रहे हैं बट इस प्रकार की स्लिप ओपन हो कि सक्सेस की जगह फेलर ही लिख के आ रहा है, पेमेंट अपडेट नहीं हो रही है, इसका मतलब आपकी पेमेंट फंस चुकी है। उसे अपडेट होने में 24 घंटे 48 घंटे या उससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है। उस बीच में आप ये भी देख लें कि आपका कहीं रिफंड तो नहीं हो गया है, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन फंस जाता है, फीस अपडेट होने में समस्या होती है सर्वर में, तो वो फीस रिफंड कर दी जाती है और आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें, अब रिफंड भी नहीं हो रहा है और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप ट्रांजेक्शन को डेली वेरीफाई करते रहें, जैसे वीडियो के देखकर ट्रांजेक्शन वेरीफाई करते रहेंगे, यदि अपडेट होने वाली होगी तो वो इस प्रकार की स्लिप आपके सामने ओपन हो जाती है, फाइनल सबमिट स्लिप सबमिट, या फिर ऑलरेडी अभी मैंने कुछ देर बाद बताया आपको उस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाता है, तो उसके हिसाब से भी आप अपना पूरा प्रोसेस कर सकते हैं और इसके स्लिप के हिसाब से भी पूरा फाइनल सबमिट का प्रोसेस कर सकते हैं। डिपेंड करती है फीस फेलर हुई है या सक्सेसफुल हुई है या ऑलरेडी पेड है, कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, तो सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर फेलर है, फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ, तो वो अपडेट करते रहें पर डे और बैलेंस भी अपने अकाउंट में चेक करते रहें, यदि बैलेंस वापस नहीं हुआ है और तो आपको ट्रांजेक्शन डेली वेरीफाई करना ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पता नहीं किस टाइम अपडेट हो जाए फीस आपकी, ठीक है। तो टाइम जब ज़्यादा हो जाता है 24, 48, 72 घंटे हो जाते हैं फिर भी रिफंड नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं हुआ, तो एक मजबूरी हो जाती है, कस्टमर केयर से भी कॉल कर सकते हैं, मुझसे भी कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, और जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन वेरीफाई करते रहेंगे और सक्सेसफुल हो जाएगी तो इस प्रकार की स्लिप आपके सामने आ जाती है, आप प्रिंट स्लिप कर लेंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस आप करेंगी, ठीक है। या तो फिर आपके सामने ऑलरेडी का ऑप्शन आएगा, फिर ऑलरेडी डिपॉजिट, तो आप प्रोसीड टू फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस वही है, आप यहाँ फाइनल सबमिट करेंगे तब भी प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन के लिए जाएगा और ऑलरेडी बताएगा तब भी वो प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन के लिए जाना जाता है आपको, ठीक है। और फाइनल प्रिंट तक कैसे पहुँचना है ये मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, होता क्या है हम पूरा स्टेप नहीं करते हैं और यहाँ छोड़ इसी प्रकार से ऑप्शन देख कर छोड़ देते हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है और फाइनल सबमिट किया तो इस प्रकार का ऑप्शन सामने आ गया, यू हैव ऑलरेडी फीस और क्लियर हो गया फॉर्म, कुछ कैंडिडेट में समस्याएं हैं, लेकिन नहीं पूरा प्रोसेस करिए नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ट्रांजेक्शन जब वेरीफाई होगा आपका तो इस प्रकार का ऑप्शन होगा, या फिर मैंने आपको कुछ देर पहले स्लिप दिखाई थी, फाइनल सबमिट करना होगा, इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होता है, उसके बाद फिर एक ऑप्शन आता है और फिर आपको सबमिट करना होता है, उसके बाद कहीं जाके आपका फाइनल प्रिंट निकलता है। प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ भी आपको नहीं छोड़ना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप लोग, ये भी पूरा क्लिक करना है आपको, यहाँ पे भी क्लिक करना है, जब तक फाइनल प्रिंट आपको न दिख जाए आप प्रोसेस स्टेप करते रहिए, यहाँ आपको क्लिक करना होगा, इस प्रकार आपका फाइनल प्रिंट जो है ओपन हो जाता है। आशा करता हूँ आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया होगा, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही लेटेस्ट और न्यू अपडेट पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।